ये मैं जीत चुकी हूँ, अब नेक्स्ट सेकंड राउंड होगा, फिर देखते हैं। आपको एप्पल में नया फीचर आया है पाइज मफिन, ने को आज सिखाऊंगी। हेलो गाइस, क्या गुड मॉर्निंग हो चुकी है। और अनुराग ने, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अनुराग ने, मैं ओट्स बनाना है आज मुझे, तो मैंने अपनी सामग्री बता दी थी, तो अनुराग ने मेरे लिए ये काट के रखा है। ये बनेगी, बताओ गैस करके बताओ कौन सा आज चीला बनने वाला है। आज बनने वाला है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपको आज सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी नहीं सिखाऊंगी पता नहीं, पहले हम गंदगी करेंगे फिर उसके बाद हम वो करेंगे। इतनी भाई मैं ये सब नीचे चिपका हुआ है, जानबूझ के बनाऊंगी कैसे। चप्पल पहन लो वाली, चप्पल पहन लो वाली। सो गाइस, मेरी ही आवाज आप पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी चीजें कैसे बनाने वाली। सो मैं अभी लूंगी मिक्सिंग बोल आपको, इसके लिए एक सेकेंड मैं यहाँ पे रखती हूँ। अभी आज हम बनाएंगे बेसन ओट्स चीला, विच इज ऑल्सो हेल्दी फॉर योर हेल्थ एंड यू, एनी वन कैन हैव दिस, जिसको कोई मतलब लाइक हार्ट पेशेंट है या शुगर पेशेंट है या फिर थायराइड पेशेंट है, तो दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। फाइबर मिलेगा, फाइबर रिच है और आपको इसमें प्रोटीन रिच है। सो उसके लिए क्या करना है, एक कप ओट्स लेना है, इसको हम करेंगे ग्राइंड, क्योंकि ऐसा वाला अगर आप ओट्स डालेंगे ना उसमें तो ये काम नहीं करेगा, मतलब तो काम नहीं करेगा मतलब ऑब्वियसली आप वो नहीं बना सकते ना, क्या बोलते हैं, नहीं बना सकते वो, अब चीला नहीं बना सकते यार, वो हो गया, चीला नहीं बना सकते। अब हम मिलाएंगे सूजी, हाफ कप ऑफ सेमोलिना बोले तो सूजी, मैंने लिया है 1/4 कप ऑफ बेसन। सो करना है जितनी चीज़ लिया हमने उसका सबका हम डबल कर देंगे। ओके, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं इसमें क्या क्या मिक्स करने वाली हूँ। सो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आपने वेजीज चॉप करके रखनी है, फाइन चॉप्ड होनी चाहिए। सो कैप्सिकम है फाइन चॉप्ड, आप वो कटर आता है उसमें कर सकते हो, टमाटर, अनियन, बीट रूट्स और कैरेट। सो सारे वाइटमिन रिच वाला आपका आज ब्रेकफास्ट होने वाला है। सो शुरुआत करते हैं, सारी मिक्स कर लेते हैं, लेकिन कितने सुंदर तरीके से चॉप्ड है। सॉल्ट ऐड करेंगे, मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सॉल्ट पढ़ना है, टर्मरिक पढ़ना है, पेन पेपर ले लो और लिख लो, ठीक है। इसमें पड़ेगा सॉल्ट, सॉल्ट आपके स्वाद अनुसार, मेरे में ज़्यादा है बेटर तो मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। हाथ में डालेंगे इसमें किचन किंग मसाला, टाटा संपन्न का आता है, आप इसे ले लेना। अगर आप इसे नॉर्मल सब्जी में भी डालते हो ना तो सब्जी का टेस्ट चेंज हो जाता है, अच्छे वे में बोल रही हूँ। नाउ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें होंगी, अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे एंड देन लेट इट फॉर 5 मिनट्स। ओके सी गाइस, बन चुका है मेरा, जो बना रहे थे यार, या ओट सूजी बेसन चीला, इट्स अ ओट्स एंड बेसन चीला। सो गाइस, सो फाइनली मैंने बना लिए हैं चीले, चीले दिख जा यार, चीले खा रही है ऐसी साढ़े से, इनके पास कपड़े हैं नहीं और ये ऐसे ही रहता है, गजब बेइज्जती है यार, तुमने टेस्ट किया, माय गॉड, माय गॉड। मुझे पता है। दोस्तों ने पता क्या क्या मिला हुआ है, बता रखा है। ओके,
ये आपने गेम देखा होगा, नहीं देखा तो हम आपको बता रहे हैं। मैंने अपनी बिल्डिंग में कई सारे अंग्रेजों को भी देखा था जो इसको ले जाते हैं। उनके पास छोटा वाला था, हमारे पास थोड़ा सा बड़ा वाला है। सो ये एक ऐसा गेम है जो आपको इंगेज करके रखता है, आपका ब्रेन की एक्सरसाइज कराता है, प्लस आप इंजॉय करते हो। नहीं करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं और पापा एक साइड होते थे, ये और मम्मी एक साइड होते थे, तो और ये और पापा चीटिंग ही करते थे। ये हम पे आरोप लगाने से पीछे नहीं हटते, हम लोग बिल्कुल चीटिंग नहीं करते, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं। अपने हमारी किस्मत अच्छी होती थी, गुलाम एक बार यूज कर हुआ गुलाम नीचे से दोबारा उठा लेते थे। ये बहुत अच्छा कार्ड गेम है, स्पेलिंग तक नहीं आती। चलो खेलते हैं गाइस। मैं एक गेम जीत चुकी हूँ और अनुराग हार चुका है। ये गेम हम जीत चुके हैं, मतलब मैं जीत चुके हैं। मैं जीत चुकी हूँ और अब हम दोबारा से एक राउंड और खेलने जा रहे हैं, फिर देखते हैं कौन जीतता है। आखिर जीत पाती बिना चीटिंग के खेलोगी तो जीत जाओगी तो हार जाओगी। सही से खेलो तो खेलो मुझसे, वरना मत खेलो। मैं पत्ते फेंटना, पत्ते फेंटना तक तो तुम्हें आता नहीं है। मैं पत्ते फेंटना सीख रही हूँ। वाह, एक नंबर की जुआरी है। आए हैं मुझे थोड़े। चलो मिलते हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ किसे जीतना चाहिए, मेरा ही नाम लेना, मुझे पता है। तो कोई भी जीते कोई भी हारे सब चलता है, कुछ नहीं चलता, अपन को जीतना चलता है बस। तुम जैसे लोग जो होते ना सोच ये लेके चलते हैं, कोई भी जीते कोई हारे को फर्क नहीं पड़ता, कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। मेरी तरह सोचो, जीतना ही है। क्या फीचर आया गाइस आपको पता है? आपको एप्पल में नया फीचर आया है पासवर्ड करके। इसमें आपको आपके सारे, मैं दिखाऊंगी नहीं, बट आपको जितने भी आपके पासवर्ड्स हैं ना, लाइक वाईफाई और जितने भी हैं, तो इसमें मेरे टोटल 44 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें पास की चाहिए है। सो बिना मेरी पास की के ही ओपन नहीं होगा। दूसरा इसमें फीचर ये है कि एक तो आपका इसमें मोशन सिकनेस जो हो जाती है लोगों को, मतलब मुझे तो हो ही जाती है, मुझे तो वैसे भी हो ही जाती है। कार में जैसे अगर आप जा रहे हो, है ना अनुराग, तो कार में, ये मुझे अनुराग ने बताया कि जब अपडेट करोगे iOS 18 तो उसमें यहाँ पर नया फीचर, ये पूरा चेंज हो चुका है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली इन व्हीकल, मैंने ये ऑन कर रखा है। अगर आप ऑन कर दोगे तो ये डॉट डॉट से 24/7 बन के आएंगे, आप देख रहे होगे ये। तो ये क्या करते हैं, ये आपको जो है जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे शेक होता है तो साउंड भी और स्क्रीन थोड़ी सी शेक होती है, जिसकी वजह से हमें वॉमिट फील होती है। तो अब आप अगर कार में बैठ के भी मोबाइल चलाओगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मतलब वॉमिट जैसा फील नहीं होगा, ऐसा आईफोन वालों का दावा है। और ये मैंने ऑन कर लिया है, बट मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना ऑटोमेटिक पे ही रखना, ये वाला जो है ना, देखो रुको, ये जो ऑटोमेटिक वाला है ना, इट्स ऑटोमेटिकली इन व्हीकल, तो ये वाला अच्छा है कि अपने आप सेंस करता है। और जैसे मैं चल भी रही थी कल, वॉक कर रही थी, तब भी अगर मैं चला रही थी तो उसमें डॉट्स आ रहे थे, वो मतलब मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा नहीं कि मुझे सर घूम रहा है। यूजुअली मुझे फील होता है सर घूम रहा है। सो दीज आर द एप्लीकेशन विच आई एम यूजिंग राइट नाउ। और उसके साथ यहाँ पर आके सबसे अच्छी चीज़, और इसमें क्या फीचर आया अनुराग तुम्हारा, वो था कैलकुलेटर में आप, हाँ, द थर्ड वन इज जब आप लोग ज्यादा है, अच्छा, जो विदेश में रह रहे हैं, डॉलर में आ रही है, किसी और भाषा में आ रही, हाँ, है, हाँ हाँ हाँ, मतलब ये जो उनके जो लिए है, या फिर जो घूमने जा रहे हैं विदेश, विदेश, हाँ। तो पहले हम लोग गूगल पे जाते थे और फिर हम लोग करते थे, तो अब आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पर ना, जैसे मैंने अभी अभी अपना AED में किया है, तो यहाँ पर आप जो है जिस भी भाषा में करना, फोकस कर यार, हाँ, जिस भी भाषा में करना है आपने, यहाँ पे आपने डालना है। मैंने ED में डाला है, USD डॉलर में अगर आपको कन्वर्ट करना है, या किसी में जिस भी कंट्री में हो आप, उसका आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, यूनिट किस उसको, मतलब किस वहाँ की करेंसी का जो भी नाम है। और फिर ये आपको डायरेक्टली, आपने बस अपनी INR मैंने सेट कर रखा है अपना, इंडियन वाला, इंडियन रुपी, यू कैन सी देखो है, और यहाँ पे मैंने ये सेट कर रखा है। किसी ने बोला कि 55 दिरहम का है ये, तो मैं पहले जाके गूगल पे करती थी, तो अभी है ना अनुराग, yeah.
अब मैं यहाँ पे 55 दिरहम डाला, इवन पॉइंट 0.26 डाला सपोज दैट, तो ये आ गया 1259 रुपीज़, मतलब 1259 रुपीज़ अपनी इंडियन करेंसी। तो मुझे आइडिया लग जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आलसी लोगों के लिए क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ऐसी ऐसी आलसी वाली चीज़ें लेके आती हूँ, जैसे किसी आलसी ने ही वॉशिंग मशीन बनाई होगी, आलसी ने ही अब तो क्या बोलते हैं उसे मिक्सी बनाई होगी, पहले तो बटनी से होता था, तो उसी टाइप से एक और बेहतरीन ब्यूटी वाली चीज आ गई है, वो मैं आपको बताती हूँ भाई। शो यू कि मैं क्या कर रही हूँ। सो ये मैंने एक, ये आई थिंक मुझे ऐसी पड़ गई थी 1000 रुपए की वन टाइम, और इसमें है रीका की, मैं इसमें रिफिल लगाती हूँ। ओके कॉल आ रही है, वेट एक सेकेंड, अनुराग की कॉल आ रही है, अनुराग गए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। हेलो, वो भेजना जयकारा शेरा वाली जो गाया था दीदी ने सन्नार भाई वीडियोस का, जयकारा शेरा वाली था कौन सा, अच्छा दिव्या दीदी ने के दरबार की, हाँ यूट्यूब पे जो है गाजियाबाद वाला, हाँ हाँ हाँ, अच्छा भेज रही। एक सेकेंड गाइस जस्ट हो। सो ये इसलिए मुझे सही लगी क्योंकि आई थिंक वन टाइम नहीं है ये, ये मुझे आई थिंक मैं अभी इसे यूज़ करते हुए मुझे हो गया है 3 मंथ्स। तो अनुराग नहीं है तो इसको कुछ चाहिए, और वो इसलिए चाहिए क्योंकि इसे डेंटल स्टिक चाहिए और कुछ नहीं। सो आई विल गिव यू हाफ, ओके जी 1 2 3। अभी मेरा प्रैंक खराब कर दिया यार, प्रैंक करने वाली फिर से रीटे का मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लगा भी नहीं। 3 स्टार्ट। अब रिएक्शन दो ना, क्या है मन में बात आई है इतने बुद्धू रिएक्शन थे। फिलहाल ये था आज का व्लॉग, अगर आपको ये प्रैंक अच्छा लगा हो जैसे कि और लोग करते हैं, हमने बिल्कुल वैसे ही करा है, तो अगर आपको अच्छा लगा, मुझे समझ में नहीं आता जो यार डेली, जैसे मैंने कुछ चैनल्स ऐसे देखे अनुराग जो डेली व्लॉग करते हैं, वो डेली प्रैंक करते हैं, नॉट व्लॉग है, समझ में नहीं आता होगा मैं कॉफी बना रही थी, अनुराग से दूध फैल गया था तो अनुराग सफाई कर रहे हैं, इतना 3 कप दूध का 1.5 कप रह गया होगा ये। मैं एक और यूट्यूब चैनल खोलूंगी जिसमें की एक चला नहीं दूसरा चलेगा, गजब बेइज्जती है। मैं उसमें अपनी रेसिपी बताऊंगी जो मैं इनोवेटिव करती रहती हूँ फूड्स के साथ, फ्रूट्स के साथ, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। यूजुअली मैं अच्छा, मुझे कुकिंग कभी नहीं पसंद थी, मुझे कभी नहीं लगता था मैं खाना बनाऊंगी या मुझे इतनी मतलब इतना शौक हो जाएगा, बट अब मैं अनहेल्दी नहीं बनाती, मैं
बहुत हेल्दी वाले और बहुत डिलीशियस वाले बनाती हूँ। तो भाई फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हम आप लोग चाहते हो कि हम लोग चैलेंजेबल करें तो हम चैलेंजेस भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टीजर ट्रेलर एंड रिएक्शन के साथ और ब्लॉग्स के साथ भी। मेरा हाथ थक चुका है, गर्दन भी थक चुका है। ओके गाइस, सो हास्ता ला विस्ता, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, गुड नाइट, चिपक है। गाइस मफिन ने, सो गाइस मफिन, मफिन मफिन ने हनी हनी कर ली है।